दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारतीय टीम जीत दर्ज करे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, तीसरे दिन भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खतरनाक प्रदर्शन के सामने इंग्लैंड की टीम पहले ही धराशायी हो गई। और आपको बता दें कि चौथे दिन भारत और इंग्लैंड के बीच किस प्रकार का मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो वहीं चौथे दिन कौन कौन से खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और चौथे दिन का मौसम का हाल क्या रहेगा, इन सब चीजों के बारे में आपको हम वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत के लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट प्लेयर और बल्लेबाज कौन होगा, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में बुमराह की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और पहली पारी में 146 रन की ऋषभ पंत और 104 रन की जडेजा की पारी के कारण 416 रन बनाए। और इसके बाद इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेयरस्टो ने 106 रन की पारी खेली और इसके अलावा इंग्लैंड की टीम की तरफ से किसी भी बल्लेबाज ने शानदार प्रदर्शन नहीं किया और इंग्लैंड की टीम रुक रुक कर 284 रनों पर ऑल आउट हो गई। और जिसमें भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4, जसप्रीत बुमराह ने 3, मोहम्मद शमी ने 2 और शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट हासिल किया और 132 रन के लिए भारतीय टीम के पास मौजूद थी गजब की लीड। और आपको बता दें कि जिसके बाद दूसरी पारी में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो शुभमन गिल 4 रन बनाकर पहले ही ओवर में आउट हो गए और इसके बाद हनुमा बिहारी बल्लेबाजी करने के लिए आए और 11 रन बनाकर हनुमा बिहारी भी आउट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए विराट कोहली ने एक बार फिर से निराश किया और 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने पारी को संभाला और इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतक भी जड़ दिया और दिन के समाप्त होने तक पुजारा 50 तो ऋषभ पंत 30 रन बनाकर नाबाद रहे और 257 रन की लीड के साथ भारतीय टीम ने 125 रन 3 विकेट के नुकसान पे बना दिए। जिसके बाद अब चौथे दिन भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक और बार उतरेगी, जिसमें चौथे दिन भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने होंगे और दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे, जिसमें ऋषभ पंत तो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे जैसा उन्होंने पहली पारी में करके दिखाया था, तो वहीं चेतेश्वर पुजारा एक तरफ से दीवार की तरह डटकर बल्लेबाजी करेंगे और हर बार की तरह दूसरी पारी में बेहतर रन बनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। और चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट में आपको बता दें कि दूसरी पारी में शतक भी लगा सकते हैं और वहीं ऋषभ पंत से कम अर्धशतक की उम्मीद तो भारतीय टीम को अवश्य रहेगी। और इसके अलावा जब बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आएंगे तो श्रेयस अय्यर 32 से 40 रन का योगदान अवश्य देंगे क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में बहुत ही ज्यादा गहराई आजकल देखने को मिल रही है। तो वहीं इसके बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का प्रयत्न करेंगे और 30 से 40 रन तेज तर्रार तरीके से बना सकते हैं और पहले दो सत्र में भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी लगातार देखने को मिलेगी। लेकिन तीसरे सत्र के पहले भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह पारी घोषित कर सकते हैं और लगभग 480 से 440 रन का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम को दे सकते हैं और इंग्लैंड की टीम के अंतिम सत्र के शुरुआती दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ले सकते हैं और वहीं चौथा दिन भारतीय टीम के पक्ष में पूरा का पूरा होगा। और आपको बता दें कि चौथे दिन का मौसम पहले 3 दिन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा शानदार रहेगा और बारिश की संभावना मात्र 10% रहेगी और चौथे दिन का खेल शायद बिना रुकावट के चल सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड की टीम भारत को कितने रन पर ऑल आउट कर देगी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।